ये हम आटे है बचा हुआ, हमारा सुबह रोटी बनाई थी उसका बचा हुआ था, उससे हम एक यूनिक रेसिपी बना रहे हैं एकदम नई। तो ये आटा है हमारा एक टिफिन के करीब बचा हुआ, और इसको हम सुधार लेंगे इस तरीके से, इसको हम गूंथ लेंगे। गूंथा हुआ आटा है हमारा सुबह का, जैसे कि अक्सर हम रोटी वाला आटा गूंथते हैं तो उसमें नमक डालते हैं, थोड़ा सा ऑयल डालते हैं, तो वही डाला हुआ है रोटी वाला आटा बचा हुआ, तो उससे ही हम बना रहे हैं यूनिक रेसिपी चटपटी सी जो बच्चों को बेहद पसंद है। तो इसको सुधार लिया हमने आटे को, इसको रखते हैं साइड पे हम, ये रख दिया हमने साइड में। इसमें से हम छोटी छोटी लोई तोड़ेंगे इस तरह की, जैसे रोटी बनाते हैं ना बेसिक लोई बनाना हमें, और ये देखिए इस तरीके की जैसे रोटी की लोई बनाते हैं उसी तरीके से बनाना है। इसमें लगाएंगे हम पलथन, गेहूं का आटा है और गेहूं के आटे का पलथन लेंगे हम, ये देखिए, और इसको बेलेंगे रोटी की तरह, पतली बेलना हमें। फिर से हमें पलथन लगाना है थोड़ा सा और, चिपके नहीं हमारी रोटी, पूरे चकले के ऊपर करना हमें। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इतनी बड़ी पतला मोटा देख लीजिए, ये जितना बड़ा चकला था हमने उतनी बड़ी रोटी बेल ली है। ये देखिए इस तरीके से इसकी पतलाई देख लीजिए, जैसे रोटी बनाते हैं ना उतनी पतली, ज़्यादा मोटी भी नहीं और ज़्यादा पतली भी नहीं। ये देखिए बहुत इजीली बन जाती है, क्यों गूंथा आटा था, इसमें लोच भी है, गेहूं का आटा है, तो इसको हम शेप देंगे, चकोर शेप दे देंगे इसका हम, हमें डिजाइन का इस तरीके से हमने शेप दे दिया इसका, चारों साइड से हम शेप दे देंगे इसका, गलत से, और इस साइड से भी देंगे शेप इसको। और ये देखिए इस तरीके से हमने इसका शेप निकाल लिया है, इसको हम बिल्कुल पतली पतली इस तरीके से डिजाइन कट करेंगे। ये देखिए हमारी रेसिपी की ये डिजाइन कट हो गई इस तरीके से, एकदम पतली वाली, जितनी पतली लेगी ये उतनी खूबसूरत दिखेगी। और ये देखिए सारी हम इसको कट करेंगे, ये देखिए कितनी इजी बनी ना हमारी डिजाइन। और देखिए ये ले बहुत ही इजी बनी है, इन्हें सारे के उठा लेंगे हम तरीके, बहुत ही इजी रेसिपी है दोस्त, बचे हुए आटे की, और बच्चों को भी पसंद आए और हमारा आटा भी ख़राब ना हो, बेस्ट ना जाए। बचे हुए आटे की यूनिक रेसिपी आप सबके लिए लेके आई मैं धबज की रसोई से। और ये लीजिए कितनी अच्छी डिजाइन आई ना, ये देखिए एक भी नहीं चिपक रही है और बहुत ही अच्छी डिजाइन आई है। उबल गया है, हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, थोड़ा सा, और थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल ऐड करेंगे, हमारा 2 टीस्पून करके रिफाइंड ऑयल है। हमेशा पास्ता वगैरह जो हम बचे हुए आटे या गूंथे आटे के बनाते हैं ना, उसमें ऑयल और नमक ज़रूर डालिए पानी में, ताकि वो आपस में चिपके नहीं। तो ये हमने पानी ऐड कर दिया है, पानी में ऑयल और नमक ऐड कर दिया, इसको हम उबाल आने देते हैं। हमने सारी डिजाइन बना ली, देखिए कितनी खिली खिली बनी, एक भी नहीं चिपकी है आपस में, क्योंकि हम जब रोटी बनाते ना थोड़ा सा ऑयल डालते हैं और नमक, और ये आटा गेहूं का है। और चलिए अब हमारा पानी भी उबल चुका होगा, हमने गैस पे पहले ही रख दिया था, अब इसको उबालेंगे। पानी भी उबल चुका है, अब हम पानी में इसे डालेंगे, पानी उबला हुआ ही रहे, याद रहे अच्छा पानी उबल जाए तब डालना, थोड़ा सा इस तरीके से करके, और सारी पटक लेंगे हम इसमें। ये 2 से 3 मिनट में अच्छे से पक जाएगी, जब पक जाएगी ना तब ऊपर आ जाएगी। और ये हमने सारी इसमें डीप कर दी है, और ये 2 से 3 मिनट में अच्छे से पक जाएगी, जब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं इसकी। कुछ इस तरीके से पक रहा है ये, और इस तरीके की हमने कढ़ाई ली है, उसमें हम ऑयल डालेंगे, और ऑयल डालेंगे हम 2 से 3 टीस्पून के करीब। ऑयल हमारा गर्म होने देते हैं, पक चुका है इसे निकाल लेते हैं अगल बर्तन में। ये देखिए इस तरीके से एकदम चिपकी नहीं ना, अगल अगल खिली खिली बनी हमारी डिजाइन, ये देखिए। अब हम इसे बघारेंगे, ऑयल भी हमारा गर्म हो चुका है, गर्म है, हम इसमें काली सरसों ऐड करेंगे, आप चाहे तो पीली वाली ऐड कर सकते हैं। राई तड़क चुकी है, अब हम इसमें जीरा ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून है राई जीरा। हमारी शिमला मिर्ची है, इस तरीके से हमने चीर करी है उसकी, और इसको ऐड करेंगे। हरी मिर्ची एक थी उसको ऐड कर दिया हमने इसमें। अब इसमें हम शिमला मिर्ची लाल वाली जो कट करी हमने इस तरीके की सी है ही से, इसको भी डालेंगे। तब हम इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज उसको डालेंगे, ऐड करेंगे, इन्हें पकाएंगे और
हल्का हल्का सा पकाना हमें, और इन्हें पका लेंगे, हल्का सा सॉर्ट आउट करेंगे। और हमारे दो मीडियम साइज के टमाटर है कट किए, उन्हें भी डालेंगे। इन्हें भी हमें हल्का सा पकाना है। टमाटर भी हमारे हल्के से सॉर्ट आउट हो गए। अब हम इसमें आधे टीस्पून से भी कम लाल मिर्च ऐड कर देंगे, लाल मिर्च पाउडर। हाफ टी स्पून से भी कम धना पाउडर ऐड करेंगे हम। आप चाहे तो और भी हरी सब्जियां इसमें ले सकते हैं, हमारे पास इतनी अवेलेबल थी तो हमने इतना ही लिया। थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड करेंगे हम, कलर की चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे, घर पर ही कुटी हुई थी ये मिर्ची दो हमारी। और तीखा कम खाए तो चिली फ्लेक्स की मात्रा कम कर सकते हैं, हमने दो ली है। इन्हें पका लेंगे हम। इसमें डालेंगे हम नमक थोड़ा सा, क्योंकि आटा गूंथा था तब भी डाला, गूंथा था आटा हमने तब भी नमक डाला था, पानी में भी नमक डाला, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। अब इसमें हम हरे धने पत्ते ऐड करेंगे कटे हुए, इनको मिक्स कर लेंगे मसालों के साथ। और ये हमारा पास्ता मसाला है एक टीस्पून के करीब, उसको ऐड करेंगे और इसको भी मिक्स कर लेते हैं। और इसमें हमने एक चम्मच टमाटर सॉस भी डाल दिया है। मसाला हमारा पक चुका है, अब हम बचे हुए आटे का पास्ता इसमें डालते को हम डालेंगे और इसको मिक्स कर लेते हैं इस तरीके से, आराम से और डिजाइन टूटे ना, आराम आराम से मिक्स कर लेते हैं। सारा मसाला अच्छे से पक जाए तब, क्योंकि गेहूं का आटा का है थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हेल्दी टेस्टी है, तो सारे को मिक्स कर लेते हैं हमें। और चिपक जाए तो दिक्कत वाली बात नहीं है, गर्म होते ही निकल जाएंगे, जैसे ही गर्म होंगे ना पास्ते तो अपने आप निकल जाएंगे। तो इसे हम अच्छे से चलाते हुए सिर्फ 2 मिनट पकाएंगे, हल्के हल्के हाथों से चलाना है। 2 मिनट हो गए हैं, पक भी गए। इसमें हम हरी धनिया के पत्ते, हमारा पक चुका है, अब हम इसमें हरे धने के पत्ते ऐड कर देते हैं। हरे धने बाद में भी डाले पास्ते बनने के बाद, इतना अच्छा कलर आ रहा ना, और बाज़ार से भी बहुत ही टेस्टी बनेगा ये और हेल्दी। घर के सामानों से ही बनाया है, गांव देहात के ये पास्ते, आप सबको कैसे लगे ज़रूर कमेंट करके बताना। और इन्हें हम मिक्स कर लेते हैं हरी धनिया को, और निकाल लेते हैं अगल बर्तन में। और देखिए ये ना ज़्यादा टूट, हमारे अच्छे से बन चुके हैं, पक चुके हैं। अब बच्चों को देते हैं इन्हें निकाल, कुछ कुछ टूट भी गए लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता। और ये देखिए बहुत ही यूनिक तरीके से बनाया है दोस्तों। हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। लीजिए फ्रेंड्स, हमारे गांव देहात के देसी तरीके से पास्ता बनके तैयार हो गए, गेहूं के आटे से, बचे हुए गेहूं के आटे से। तो आप भी अपने घर पर ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिए, बहुत हेल्दी है और बच्चों को बेहद पसंद आती है, झटपट बन भी जाती है ये, 5 मिनट लगते हैं बनाने में। और आप चाहे तो हम तो जा रहे बच्चों को देने, तो इसको हम निकालेंगे बर्तन में और बच्चों को देंगे प्लेटों में निकाल निकाल के, बहुत हेल्दी टेस्टी है इस तरीके से। तो लीजिए फ्रेंड्स, बच्चों को दिया है ये और बहुत ही चाव से खाते हैं बच्चों इस रेसिपी को, इस पास्ते को। तो आप अपने घर पर ज़रूर ट्राई करिए। मिलते हैं आप सबको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की, गुड बाय।